हुए है। अब इसमें टेंस टू इंफिनिटी की कुछ फॉर्मूले है, जैसे लिमिट ऑफ 1 बाय एक्स एज एक्स टेंड टू इंफिनिटी है तो वो जीरो होता है, लिमिट ऑफ एनी कांस्टेंट अपॉन एक्स होता है एज एक्स टेंड टू इंफिनिटी होता है तो इसका आंसर जीरो होता है, लिमिट ऑफ के अपॉन एक्स रेज टू एन एज एक्स टेंड टू इंफिनिटी है तो भी ये जीरो होता है, वेयर एन इज पॉजिटिव, एन जब पॉजिटिव होता है तो, लेकिन एन अगर नेगेटिव है तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू इंफिनिटी व्हेन एन इज लेस देन जीरो, अपॉन में है एक्स रेज टू एन एंड इफ एन इज इंफिनिटी देन इट बिकम्स, यानी एक्स रेज टू माइनस एन है तो वो एक्स रेज टू एन हो जाएगा और आपका आंसर इंफिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये इंफिनिटी के लिए इतने फॉर्मूले याद रखो, इसमें सिर्फ एक जो लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 बाय एक्स रेज टू एक्स एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी आता है तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू ई, क्योंकि हमें पता है कि लिमिट ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 इज ऑलवेज ई। तो ये फॉर्मूला याद रखो, लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 upon x raised to x as extends to infinity है तो e, और 1 plus x raised to 1 by x as extends to 0 है तो e, ये दोनों फॉर्मूले को एक दूसरे से कंपेयर करो। इसके बाद एक सबसे बेहतरीन शॉर्टकट फ्रॉम लिमिट्स दैट इज एल हॉस्पिटल रूल, ये एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए एंड इफ एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए इट गिव्स अस 0 बाय 0 फॉर्म देन वी कैन यूज द एल हॉस्पिटल रूल एंड द सेम लिमिट एल कैन बी रिटन एज लिमिट ऑफ f dash x upon g dash x as extends to a, यानी न्यूमरेटर में जो फंक्शन है और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमें लेना है, तो डेरिवेटिव लेने के बाद ये होगा इसका f of x का डेरिवेटिव f dash x, ये डेरिवेटिव लेते समय आपको डेरिवेटिव के जितने भी रूल्स है जैसे प्रोडक्ट रूल होगा या डिविजन रूल होगा या जो भी डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन होगा, जो भी रूल है वो पूरे रूल अप्लाई करके आपको डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर इन न्यूमरेटर एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर फिर से ये 0 बाय 0 का फॉर्म देता है तो दैट लिमिट कैन बी रिटन एज लिमिट ऑफ f डबल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय g डबल डैश, यानी इसका डेरिवेटिव भी आप ले सकते हो आफ्टर टेकिंग वन डेरिवेटिव, इफ इट गिव्स अस अगेन 0 बाय 0 फॉर्म देन वी कैन रीडिफरेंशिएट इट, फिर से एक बार आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऐसा आप कितनी बार भी कर सकते हो, यानी 2 बार 3 बार 4 बार 10 times वी कैन टेक द डेरिवेटिव्स, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल के लिए आपको डेरिवेटिव्स के सभी फॉर्मूले आना जरूरी है, क्या डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले रिवाइज करना जरूरी है? नो ओके नो सर, दो चीजें याद रखना, जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स f dash of x because it is directly related to limit of f of x plus h minus f of x divided by h as h tends to 0 is f dash, or f dash of a is nothing but equal to limit of f of a plus h minus f of a divided by h as h tends to 0, तो ये f dash a होता है, ये याद रखना, limit of f of x plus h minus f of x divided by x, यानी कहीं पर भी आपको limit of ऐसे आता है कि limit of sine of x, ये भी याद रखो कि limit of f of x minus f of a divided by x minus a as x tends to a है
that it can be written as f dash of e using L hospital rule. So I say situations may be aapko L hospital rule use karna hai, ye yaad rakhi. Yahan pe tends to zero hai, to ye function f of x jo hai uska derivative yahi aapka answer hoga. To ye first principle ki teen formulae aap yaad rakho. So it is very useful to find the derivatives of the functions. Okay, chalo, anything else from limits? Conceptually sagre clear rahat ka tumhi? Yes sir. Yes sir. Sir, limits mani Leibniz theorem ka hai na? The integration lehi thi Parth. Integration chi thi. Pan te worksheet mein teche aur questions hai. Konta? Leibniz. Sum of limits nahi ka sir? लिमिट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ सम को डेफिनेट इंटीग्रल मध्ये आहे आणि तो तुमच्या सिलेबस मधून यावर्षी एलिमिनेट झालेला आहे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ सम आणि लिबनीट्स थेरम जो आहे तो डेरिव्हेटिव्स मध्ये आहे लिबनीट्स थेरम सेज दैट लिमिट ऑफ डेल्टा वाय अपॉन डेल्टा एक्स एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 इज नथिंग बट डी वाय बाय डी एक्स ऑडिओ अनम्यूट रे लेकर कुठले खेळायलेत बघा डेल्टा वाय इज सेड टू बी चेंज इन वाय अँड डेल्टा एक्स इज सेड टू बी चेंज इन एक्स इफ वाय इज अ फंक्शन ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन देन द लिमिट ऑफ चेंज इन फंक्शन अपॉन चेंज इन एक्स एज चेंज इन एक्स टेंड्स टू 0 इट इज ऑलवेज डी वाय बाय derivative of y with respect to x. And it is very, very same to the first principle of derivative. First principle of derivatives, yahan pe bhi kya hai, f of x plus h minus f of x means change in function. Where h is said to be change in x, x mein ka change. Sirf notation ka difference hai, to ye Leibniz theorem, ya Leibniz notation, aur ye dono bhi ek hi. Yacha vitrikt kutla Leibniz theorem tola mahiti hai ka? नाही सर ओके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे हमने लिखा है कि लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 इज नथिंग बट इक्वल टू 1 वैसे ही लिमिट ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स साइन इनवर्स एक्स बोल रहा हूं साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 ये भी होता है 1 एंड लिमिट ऑफ tan inverse x as upon x as x tends to 0 it is also said to be 1 because when x is very closer to 0 the value of sine and value of x are very closer to each other and that's why their ratio is equal to 1 similarly when x tends to 0 0 ke aas paas hai x तो साइन इनवर्स एक्स जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स के लिए एच पुट किया सपोज इफ यू सब्स्टिट्यूट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एच देन एक्स बिकम्स साइन एच एंड द सेम फॉर्मूला बिकम्स लिमिट ऑफ एच अपॉन साइन एच एज एच टेंड्स टू 0 एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो 1 तो लिमिट ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ये भी 1 होता है व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 और लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 ये भी 1 होता है ठीक है तो ये सब फॉर्मूले एक बार रिवाइज करो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज देखिए अब एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं तो एमसीक्यूज और उसके ऑप्शन आपके सामने होना जरूरी है मुझे पता नहीं आप प्रिंट आउट ले पाए हो नोट्स के या नहीं लेकिन आप ऐसी कोशिश जरूर करना एक तो आपको प्रिंट आउट करने की अगर कोई गुंजाइश नहीं है तो आपको ये दूसरे खाते मोबाइल पे पीडीएफ सेंड करके वो मोबाइल आपके सामने ओपन करके रखना है या आप ये एमसीक्यूज एक बार पूरे लिख के निकालो किसी भी लेक्चर के पहले तो आपको एग्जांपल्स आपके सामने रहेंगे और सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के क्वेश्चंस है टाइप 1 में multiple choice questions from page number 4 question number 1 function diya hai f of x is equal to mod of x minus 4 divided by x minus 4 for x is not equal to 4 and is equal to 0
for x is equal to 4. And question is to find left hand limit. LHL find करना है. Left hand limit find करना है, यानी क्या find करना है? Limit of f of x as x tends to 4 minus find करना. तो क्या होगा ये limit of mod of x minus 4 divided by x minus 4 as x tends to 4 minus. अब देखिए, when x tends to 4 minus means x is less than 4. x less than 4 है, इसका मतलब x minus 4 is less than 0. And we know that mod x is always equal to minus x when x is less than 0. Using this definition of modulus function, this limit becomes, ये limit क्या होने वाला है? Minus of x minus 4 divided by x minus 4 as x tends to 4 minus. Everybody clear about it? Hello? मीटिंग मध्ये मी एकटाच आहे का आहेत कोणी? Am I audible? Yes, sir. हा बोला काहीतरी, हे समजलं आहे काय सर्वांना? हो सर. हो सर. X minus 4, x minus 4 get cancelled and limit of minus 1 is always minus 1. So, aapka answer aayega LHL is equal to minus 1. So, option B is correct. Option B correct. Chalo, second question hai. L is equal to limit of x raised to minus 5. Minus a raised to minus 5 divided by x raised to minus 3 minus a raised to minus 3 as x tends to a. So, ye kya aega? Minus 5 upon minus 3 into a raised to minus 5 plus 3. Formula use karna hai hame. X raised to n minus a raised to n divided by x raised to m. माइनस ए रेज टू एम एन अपॉन एम इंटू ए रेज टू एन माइनस एम का फॉर्मूला, तो ये होगा 5 बाय 3 इंटू ए रेज टू माइनस 2, मींस योर फाइनल आंसर इज 5 अपॉन 3 ए स्क्वायर. प्लीज चेक योर आंसर इन ऑप्शंस. 5 अपॉन 3 ए स्क्वायर सी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर है सबको? यस सर. नेक्स्ट नंबर 3, लिमिट ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 इज 100, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन इज, एन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें. एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, यूजिंग एल हॉस्पिटल एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे. तो एल इज इक्वल टू आएगा लिमिट ऑफ, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, एन इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स इज माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 एज एक्स टेंड्स टू 0, और इसकी वैल्यू दी है 100. एक्स की वैल्यू जब 0 रखेंगे यहां पर, तो 1 का पावर एन माइनस 1 यानी 1, एन इंटू माइनस 1 इज माइनस एन इज इक्वल टू 100. And we have n is equal to minus 100. The value of n is minus 100. Answer B is correct. Chalo, clear hai? Yes, sir. So next question number 4. L is equal to limit of x square minus x minus 6 whole square divided by x plus 2 whole square
as x tends to minus 2. क्या करना पड़ेगा? Factors of x square minus x minus 6. माइनस सिक्स के ऐसे दो फैक्टर जिनकी एडिशन माइनस वन आनी चाहिए, माइनस थ्री प्लस टू, एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू होल स्क्वायर एज एक्स टेंड्स टू माइनस टू. तो ये एक्स प्लस टू होल स्क्वायर और एक्स प्लस टू होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ लिमिट ऑफ एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एज एक्स टेंड्स टू माइनस टू. Now substitute x की value substitute करो इसमें minus 2, it is minus 2 minus 3 whole square, that is nothing but 25. Answer is 25, means option B is correct. Solve करता है इसका तुम्हें. हेलो तो सर एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री रूट थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व एज एक्सटेंड्स टू रूट थ्री. चलो एल हॉस्पिटल रूल यूज करो, यहाँ पे पहले चेक करो वेदर इट गिव्स अ 0 बाय 0 फॉर्म और नॉट. x की वैल्यू रूट थ्री रखने से रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस 3 0 और यहाँ पे 9 माइनस 12 माइनस 3, ये 3 माइनस 12 माइनस 9 एंड प्लस 9 इट बिकम 0, मींस 0 बाय 0 का फॉर्म मिलता है हमें. एल हॉस्पिटल रूल यूज करो तो ये होगा लिमिट ऑफ 2x अपॉन 2x plus 3 root 3 as x tends to root 3. So root 3 value substitute karo 2 root 3 upon 2 root 3 plus 3 root 3. So root 3 to cancel ho jayega, 2 upon 2 plus 3. Your answer is 2 by 5. 2 by 5. 2 by 5 is correct answer. फिजिक्सचं लेक्चर आवडलं का सर्वांना? हो सर. ओके एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन divided by under root of x square minus 1 as x tends to 1. X square minus 1 ke factors hote hai dekho. क्या होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर्स? एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन. तो पूरे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में से रूट ऑफ एक्स माइनस वन हम कैंसिल कर सकते हैं. आफ्टर एलिमिनेटिंग इट इट इज रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स प्लस वन एज एक्स टेंड्स टू वन. ये स्टेप सबको क्लियर है क्या? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट ऑफ एक्स माइनस वन. क्या किया है हमने? डिवाइडिंग बाय अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन. एक्स माइनस वन से डिवाइड किया तो यहां पे रहेगा रूट ऑफ एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस वन. अब एक्स टेंड्स टू वन यहां पे डालिए, ये होगा रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू विच कैन बी रिटन एज वन प्लस वन बाय रूट. Answer is 1 plus 1 by root 2. B is your correct answer.
वैष्णवी लक्षात आला का? यस सर. चल नंबर सेवन. एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू माइनस अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स एज एक्स टेंड्स टू थ्री. चलो क्या करोगे आप? जो ज्यादा बेटर होगा वो ऑप्शन अब में ढूंढना है. इसमें आप इसको रैशनलाइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसे एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हो. क्या आपको डेरिवेटिव लेना अच्छा लगेगा या रैशनलाइज करना अच्छा लगेगा? रैशनलाइज 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 आपकी चॉइस है. रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ x माइनस थ्री इंटू सेकेंड ब्रैकेट रूट ऑफ x माइनस टू प्लस रूट ऑफ फोर माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस टू माइनस फोर प्लस एक्स एज x टेंड्स टू थ्री. तो जो डिनोमिनेटर में ये टर्म हो रही है दैट इज नथिंग बट टू एक्स माइनस सिक्स, जिसमें से टू कॉमन लेते हैं तो x माइनस थ्री बचेगा. जो x माइनस थ्री और x माइनस थ्री कैंसिल होगा तो इज इक्वल टू रहेगा लिमिट ऑफ रूट ऑफ x माइनस टू प्लस रूट ऑफ फोर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू एज x टेंड्स टू थ्री. और थ्री वैल्यू जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा वन प्लस वन अपॉन टू. योर आंसर इज वन. Answer A is correct. Aniket Gupta aaye kare. वो सर आए. क्वेश्चन वाज बोला लिमिट ऑफ एक्स रेस टू फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन एक्स प्लस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एज एक्स टेंड्स टू टू. एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एज एक्स टेंड्स टू टू. कुणालाही वाचायला लावणार आहे मी, म्हणजे मला कळतं की तुमच्या समोर नोट्स आहेत का उगा असेच टाइमपास करायला लागले. चलो एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे. यस सर. यस सर. चलो करो फिर. एल हॉस्पिटल रूल क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू फोर एक्स फोर एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन एक्स माइनस सिक्सटीन डिवाइडेड बाय 3x square minus 6x as x tends to 2. क्या फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज करना पड़ता है? यस सर. तो करो वंस अगेन इट गिव्स अस 0 बाय 0 फॉर्म एल हॉस्पिटल 1. अब ये एल हॉस्पिटल 2 सेकेंड टाइम यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? 12x square minus 24x plus 16 divided by 6x minus 6 as x tends to 2. So substitute karo value x is equal to 2. 8 by 3. 2 square yani 4, 4 into 12. 48 minus 48. Plus 16 divided by 12 minus 6
means it is nothing but 16 upon 6. That is equal to 8 by 3. Nine number, L is equal to limit of 1 upon x minus 2 minus 2 upon x square minus 2x as x tends to 2. One upon x minus 2 minus 2 upon x into bracket x minus 2. यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको बोर्ड लेवल के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा. अब एलसीएम निकालो. इट इज नथिंग बट लिमिट ऑफ एलसीएम है x into x minus 2. इट इज x minus 2 as x tends to 2. Now this x minus 2 and x minus 2 get cancelled. Is equal to limit of 1 by x as x tends to 2 is equal to 1 by 2. Number 10, limit of square root of x square plus 7 minus 4 divided by x plus 3 as x tends to minus 3. अब क्या करना पसंद करोगे? Rationalize या L Hospital? L Hospital. तो करो L Hospital rule. Is equal to limit of. चलो क्या है इसका derivative? 1 upon 2 into under root of x square plus 7 into derivative of x square plus 7 is 2x upon 1 as x tends to minus 3. So, ye 2 or 2 cancel ho jayega. Is nothing but equal to limit of x upon under root of x square plus 7 as x tends to minus 3. Substitute karo value. It is minus 3 upon under root of 9 plus 7. आपका आंसर आएगा minus 3 by 4. Option A is correct. Everybody clear? Yes, sir. Yes, sir. Next one. 11 number. L is equal to limit of x plus x square plus x cube plus and so on plus x raised to n minus n divided by x minus 1 as x tends to 1. L Hospital rule use करो.
सर यस अपने ला स्टार्टिंग ला सिंपलीफाई केला तर कशाला इजी हां इजी जाईल काय केलं तर सिंपलीफाई कशाला एन सेपरेट केलं सर एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स क्यूब त्या जीपी ला कसं करायचं सिंपलीफाय सर ती ए इंटू आर एस टी एन मायनस वन अपॉन आर मायनस वन म्हणजे मला नाही कळालं तू परत एकदा सांग सर एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स क्यूब त्या जीपी ला आपण ए इंटू आर एस टी एन मायनस वन अपॉन आर मायनस वन त्याच्याने अच्छा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी हा पण एल हॉस्पिटल रूल यूज केला तर हे लगेच सेम जात नाही किती वेळ लागतो हॉस्पिटल ने होते ना सोपे हो सर इजी एल हॉस्पिटल ने जास्त इजी होऊन जातो Derivative of x is 1, x square to 2x, x cube to 3x square and so on. X raised to n, derivative to n into x raised to n minus 1, n derivative to 0. Derivative of x is 1, derivative of minus 1 is 0. And now substitute directly 1. It is 1 plus 2 plus 3 and so on up to n, which is n into n plus 1 upon 2. Sum of first n natural numbers. Ye jyada easy rahega. तसं उलट थोडस अवघड होऊन जाईल पण दोन टर्म येतील एक्स मायनस वन द होल स्क्वेअर तयार होईल खाली चलो क्वेश्चन नंबर 12 एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस फोर डिवाइडेड बाय x into root x minus 2 into root 2 as x tends to 2. X square minus 4 divided by, we can write x into root x as x raised to 3 by 2 minus 2 raised to 3 by 2 as x tends to 2. अब इसमें 4 को अगर 2 square लिखते हैं आप दोनों में से फॉर्मूला कौन सा भी यूज कर सकते हो या तो एल हॉस्पिटल करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो या डायरेक्टली 2 अपॉन 3 बाय 2 इनटू 2 रेस 2 2 माइनस 3 बाय 2 दैट इज नथिंग बट 4 बाय 3 इनटू 2 रेस 2 1 बाय 2 यानी 4 रूट 2 अपॉन 3 इज योर आंसर Four by three into root two. Answer C is correct. Krishna लक्षात येत आहे का? Krishna Raut. अरे डॉक्टर भी दिसायले इकडे सानिका सानिका गायकवाड म्हणा हॅलो गेली पळून लगेच नाही आहे सानिका बोल बाई बारे वाजायला लागले म्हणून हे डॉक्टर जॉईन व्हायला असतात बघतील पळून जातील बघतील पळून जातील नंबर 13 लिमिट ऑफ रूट ऑफ ए प्लस एक्स मायनस रूट ऑफ ए मायनस एक्स
divided by x into under root of a into bracket a plus x as x tends to zero. काय करायचं आता? रॅशनलाइज रॅशनलाइज करा. रॅशनलाइज केल्यावर काय येईल बघा, लिमिट ऑफ याला रॅशनलाइज करू आपण. याच ए प्लस एक्स मायनस ए प्लस एक्स अपॉन एक्स आणि हे वेगळंच लिहू आपण इकडे वन अपॉन हे अंडर रूट ऑफ ए इंटू ब्रॅकेट ए प्लस एक्स वेगळा आणि जो कॉन्जुगेट आहे रूट ऑफ ए प्लस एक्स मायनस रूट ऑफ ए मायनस एक्स ऍज एक्स टेंड्स टू झिरो. आता याचं लिमिट वेगळं काढायचं आणि याचं लिमिट वेगळं काढायचं कारण ही नॉन झिरो टर्म. आता याच्यामध्ये काय होईल, मायनस ए आणि प्लस ए कॅन्सल होईल, टू एक्स अपॉन एक्स इज टू यापर्यंत ऍड टू और इन टू एक्स के जगह पे झिरो डाल होईल. तो एक्स के जगह पे झिरो डालने के बाद ए इंटू ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज ए इंटू ब्रैकेट रूट ए माइनस सॉरी ये प्लस होगा रैशनलाइज करने के बाद प्लस रूट ए यानी ये आएगा टू रूट ए तो टू टू कैंसिल हो जाएगा. आंसर आएगा वन अपॉन ए इंटू रूट ए वन अपॉन ए इंटू रूट ए. Answer D is correct. Hello, sir. Hola. Video gela hota kay? Ho, sir. A one upon A into root A. D is your correct answer. डॉक्टर लोक कोणी जॉईन होत असतील तर जॉईन होऊन थांबा. खालिद सरांचं लेक्चर थोड्याच वेळात चालू होणार आहे. चला नंबर 14. एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स मायनस टू ए प्लस रूट एक्स मायनस अंडर रूट ऑफ टू ए divided by under root of x square minus 4a square as x tends to 2a. काय करायचं? हॉस्पिटल रूल यूज करा. काय मग लिमिट ऑफ वन अपॉन टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स मायनस टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स divided by 1 upon 2 into under root of x square minus 4a square into derivative of x square is 2x. As x tends to 2a. Is equal to limit of this is nothing but 2 root x into root of x minus 2a. It is root x plus root of x minus 2a as x tends to 2a into
Now look at this. We are going to take its reciprocal here now into Lithuania. अपॉन में x लिखता हूं लेकिन ये जो टर्म है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कैन आई राइट इट एज अंडर रूट ऑफ x माइनस 2a इनटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2a बाय यूजिंग द फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो ये x माइनस 2a वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और अब x की वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट करो इसे तो पहली टर्म आएगी यहां पे अंडर रूट ऑफ 2a रूट टू ए यहां पर रखने के बाद x की वैल्यू 2a माइनस 2a जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इनटू अंडर रूट ऑफ 2a और इनटू अंडर रूट ऑफ यहां पे 2a प्लस 2a ये आएगा 4a अपॉन 2a ये रूट टू ए और रूट टू ए कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू आएगा 2 इनटू रूट ए अपॉन 4a टू वन जार टू टू जार फाइनल आंसर आएगा वन अपॉन टू इंटू अंडर रूट ऑफ ए वन अपॉन टू इंटू अंडर रूट ऑफ टू ए चलो आखिरी एग्जांपल लेते हैं एग्जांपल नंबर 15 लिमिट ऑफ x रेज टू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एज x टेंड्स टू 1 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर as x tends to k kya hai iska answer 4 into 1 raised to 3 is equal to using the formula it is 3 by 2 into k raised to 3 minus 2 it means we can say that 4 is equal to 3 by 2 into k so k ki value aayegi 8 by 3 Answer B is correct. Sir, आणि math and chemistry चे lecture चे मध्ये एक break ठेवा ना अर्धा तासाचा. Timetable set होण्यासाठी 3 दिवस लागतील असं कालच सांगितलं मी. बरोबर आहे. सांगितलं ना हो हो सर सहन करा सोमवार पासून सगळं सुव्यवस्थित होऊन जाईल आणि ओके ओके सर गुड बाय एवरीवन स्टे विथ द मीटिंग फॉर केमिस्ट्री लेक्चर ठीक है मैथ्स का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है थैंक यू सर ओके